45 डिग्री के चिलचिलाती धूप में इतने खतरनाक तरीके से लहरें उठ रही हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे महादेव जी की मूर्ति है, हर हर महादेव। तो महादेव का नाम लेके आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रायपुर से 15 किलोमीटर दूर दतरेंगा में, जहाँ सात पाखर एक जगह है, खूबसूरत जगह, पिकनिक स्पॉट। और खारून नदी जो महादेव घाट से बहती हुई आ रही है और इस जगह को खूबसूरत बना रही है। तो ये है सात पाखर का बहुत ही खूबसूरत प्लेस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सात पाखर दतरेंगा के बहुत ही खूबसूरत डैम में। अब देख सकते हैं ये है वो सात पाखर का डैम, जहां इतने चिलचिलाते धूप में लोग यहां पर मज़े कर रहे हैं इस खारून नदी में। देखिए, काफ़ी लोग आए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप भी ऐसा कुछ पिकनिक स्पॉट सर्च कर रहे होंगे रायपुर में, तो ये रायपुर से 15 किलोमीटर दूर ही है, आप यहां आ सकते हैं और इस बहते पानी में नहाकर ठंडे हो सकते हैं। तो दोस्तों, जहां लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं इस 45 डिग्री के चिलचिलाती धूप में, और यहाँ कुछ लोग इस 45 डिग्री के गर्मी में, नौटप्पे के गर्मी में यहाँ नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ मज़े कर रहे हैं इस पानी में, इस खारून नदी में। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है नहाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ इस पुल के नीचे, जहाँ पर इतने खतरनाक तरीके से लहरें उठ रही हैं। यहाँ से देख सकते हैं लोग कितने अच्छे से नहा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना तेज लहर उठ रहा है यहाँ पर, आपको भी यहाँ नहाने का मन करेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, आपको टिकट कटाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देख सकते हैं पानी कितना साफ है, यहाँ अंदर की मछलियाँ भी दिख रही हैं मुझे। आप देख सकते हैं इतनी चिलचिलाती धूप में
भैया के बछड़े यहाँ पानी पी रहे हैं। पूरे रायपुर शहर में आपको कहीं भी पानी इस तरीके से नहीं देखने मिलेगा। सभी पिकनिक स्पॉट में सूखा है सिवाय यहाँ को छोड़ के। तो दोस्तों ये था दतरेंगा का बहुत ही खूबसूरत प्लेस सात पाखर। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और फन सिटी जैसा वाटर पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।